सो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप पे ऑफ चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली रेड जोन के बीच में है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो पीएनएल है वो है 12,800 रुपए का। तो इसके ऊपर हमें ऑलमोस्ट 7.5% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर। हमने 9:30 बजे स्ट्रेटजी अप्लाई करा था 4 तारीख को, एंड 11 बजे तक हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7.5% का रिटर्न मिल चुका है। सो इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है हमें स्ट्रेटजी का, वो सब हम सीखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। एंड आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं, यहाँ पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी ही ऑप्शन सेलिंग की स्टडीज आप लोगों को लाता रहता हूँ हर वीक, एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो यहाँ पे मिस ना हो जाए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते सीधे स्ट्रेटजी की तरफ। मैं इसको यहाँ पर एक बार क्लियर करता हूँ एंड दोबारा से आपको स्टडी लगा के दिखा देता हूँ। सो मैं आपको यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, जो हमारा रिसेंट मंथ यहाँ पर गया अक्टूबर का मंथ, उसी मंथ के अंदर आपको यहाँ बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। एंड ये एक इंटरडे स्ट्रेटजी है, तो हम इसको इंटरडे में लगाएंगे एंड सेम एक्सपायरी के अंदर हमें इसको अप्लाई करना है। तो 4 तारीख को हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको, फ्राइडे वाला दिन है, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। निफ्टी के अंदर करके दिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि आगे से आपको पता है कि निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी रहने वाली, वीकली एक्सपायरी जो है निफ्टी की रहने वाली है, सभी का जो यहाँ पर सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर टाइमिंग चूज कर लेते हैं 9:30 बजे के आसपास। तो 9:30 बजे के आसपास आप स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है उसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एट द मनी पर सिंपली एक लॉट यहाँ पर सेल कर देनी है। आपको सबसे पहले एट द मनी देखना है, एट द मनी यहाँ पर आपका चल रहा है 25,122 का, तो 25,100 हमारा एट द मनी बन जाएगा। एंड वहाँ पर जाकर आपको एक लॉट यहाँ पर सेल कर देनी है। एंड अब क्या करना है आपको, जो आपने प्रीमियम सेल करा है 275 रुपये का हमें प्रीमियम मिला यहाँ पर एट द मनी पे, अब इसका जो हाफ है, हाफ से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर प्रीमियम इसका बाय कर लेना है। दो लोट के अंदर 275 का यहाँ पर जो हाफ बनेगा आपका वो है 137 रुपये, तो 137 रुपये से नीचे वाला प्रीमियम आपको यहाँ पर बाय कर लेना है दो लोट्स के अंदर। तो 137 से नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं 128 का प्रीमियम, तो इसे हम यहाँ पर दो लोट के अंदर बाय कर लेंगे। यहाँ पर करते हैं इसको दो लोट। एंड इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ देखेंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है आपका वो यहाँ पे 16,000 रुपये, सिर्फ 16,000 आपके यहाँ पे लग रहे हैं इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए। एंड ये ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों का मिक्सचर है इस स्ट्रेटजी के अंदर। एक लोट हमने यहाँ पे सेल करी एंड दो लोट हमने यहाँ पे बाय करी है। सो अब आप इसके अंदर अपने हिसाब से यहाँ पर लोट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जितने भी लोट्स के अंदर आप यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपको 10-15 लोट्स यहाँ पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर आप इतना मार्जिन तो यूज़ करते ही होंगे, मिनिमम 1-1.5 लाख रुपये यहाँ पर ऑप्शन सेलर को यूज़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको 10 लोट के अंदर करके दिखा देता हूँ मैं आपको स्ट्रेटजी को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक्जैक्टली अभी जो रेड जोन है इसके अराउंड यहाँ पर खड़ी है। वो स्ट्रेटजी के अंदर हमें प्रॉफिट किस किस कंडीशन में होने वाले हैं पहले वो समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात तो ये हमारी एक इंटरडे स्ट्रेटजी है, हमें इसको 9:30 बजे अप्लाई करना है एंड ऑलमोस्ट 3 बजे से पहले पहले हम स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देंगे। ज़रूरी नहीं पूरा मार्केट एंड तक हमें ले जाना है, 3:30 बजे तक वेट करने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। 3 बजे से पहले आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था इसके अंदर तब भी हम इसको एंड कर देंगे, वरना हम इसको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 3 बजे तक ही लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो। इसके अंदर आपको अपना एक एस एल भी लगा के रखना है कि 1% का अगर आपको यहाँ पर लॉस नजर आता है तो उससे आप इसको इस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देना। एंड अगर आपको 1-1.5% का प्रॉफिट नजर आता है तब भी आप अपने प्रॉफिट का बुक कर सकते हैं। सो अब समझ लेते हैं कि किस किस कंडीशन में यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे मूव करता है देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला अच्छा खासा। अगर मार्केट यहाँ से स्पीड के अंदर यहाँ पे ऊपर मूव करता है देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला अच्छा खासा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रह जाता है तब भी हमें प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जो आपको रेड जोन नजर आ रहा है ये हमारा जो लॉस है वो होगा हमें एक्सपायरी वाले दिन। अभी एक्सपायरी के अंदर ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बाकी है, तो ये लॉस आपको इंटरडे में नहीं होगा, ये लॉस होगा आपको एक्सपायरी वाले दिन। एंड अगर मार्केट यहाँ पर स्लोली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाए तब आपको यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अपना 1% का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखना, जो कि यहाँ पर काफ़ी कम बार यहाँ पर आपका हिट होता है। अभी मैं आपको इसको 15 मिनट आगे करके दिखाता हूँ। तो 15 मिनट जैसे ही हम यहाँ पर आगे चलेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा 1.3% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है एंड मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आया 15 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पर आप देखोगे 2500 से लेकर मार्केट यहाँ पर 2195 यानी ऑलमोस्ट 2520 के आसपास मार्केट थी उस टाइम। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट पहुंच चुका है 2195। तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पर 70-80 पॉइंट का मूव आ चुका है मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर जो है 1.3% का। तो 1.3% का प्रॉफिट आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर यहाँ पर हो चुका है एंड मार्केट भी आप देखोगे तो रेड जोन के अंदर है, बट स्टिल आपको यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो यहाँ पर हमें लॉस होना है वो होना एक्सपायरी वाले दिन, जो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस नजर आ रहा है। उससे पहले आप देखोगे तो जो ब्लू लाइन है वो इस रेड जोन से ऊपर है, तो जब तक ब्लू लाइन रेड जोन से ऊपर रहता है तब तक हमें इसके अंदर प्रॉफिट ही होगा। जब मार्केट धीरे धीरे मार्केट एक्सपायरी के करीब पहुंचने लगेगा तब ये जो ब्लू लाइन है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, उससे पहले हमें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर करंटली आपको 1.5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको बुक कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए भी और आगे लेके चलता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा और आगे मूव करा है, यहाँ पर मार्केट पहुंच चुका है 25100 से लेके 25290, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 पॉइंट का मूव आ चुका है मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप अपना प्रॉफिट देखोगे तो वो सर आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपये का 10 लोट्स के अंदर, यानी कि 4.1% का आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट बिल्कुल रेड जोन के अंदर है एंड अभी भी आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो रेड जोन से ऊपर आपको नजर आ रही है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट रेड जोन के अंदर होने के बाद भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है अच्छा खासा। तो इसी वजह से मुझे स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
एंड अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा देर रुकता भी है तब भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ही लॉस होगा क्योंकि एक इंटरडे स्ट्रेटजी है, हमें इसको नेक्स्ट डे नहीं लेके जाना है। सो 4 तारीख में तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं इसको अगले नेक्स्ट डेट पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को, मंडे को 7 तारीख है, तो 7 तारीख को हम यहाँ पर चलते हैं। टाइमिंग चूज़ कर लेंगे यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास, एंड जो हमारा एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी 10 अक्टूबर की। तो 10 अक्टूबर को यहाँ पे सेल कर देंगे एट द मनी पे। तो 208 रुपये का जो हमारा एट द मनी चल रहा है, एंड इसका जो हाफ है, हाफ बनेगा इसका 104 रुपये। तो 104 से नीचे वाला यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेंगे दो लोट के अंदर। सो 88 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रीमियम बाय कर लिया है, वो भी दो लोट के अंदर कर लेते हैं इसको। एंड ओवरऑल यहाँ पर लोट कर लेते हैं अपनी 10 लोट्स के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपका जो मार्जिन है वो दोबारा से 1.5 लाख के आसपास लग जाएगा 10 लोट्स के अंदर। एंड अगर आप इसको एक लोट में करते हैं देन आपका इसके अंदर मार्जिन लगने वाला है 15 से 16 हज़ार रुपये। सो अब दोबारा से 15 मिनट करके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है यहाँ पर। जैसे हम थोड़ा सा आगे गए हैं 0.3% का हमें लॉस हो रहा है 425 रुपये का, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पीछे आ चुका है, एंड हमने 25,050 से स्टार्ट करा था मार्केट को, एंड मार्केट आ चुका है 24,880 पे, 24,880 पे मार्केट आ चुका है। एंड यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो है 1.1% का, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इंटरडे के हिसाब से। तो आप चाहो तो उसको बुक कर सकते हो यहाँ पर, मैं भी आपको थोड़ा सा और आगे करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली 1.6% का हमें प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आप इसको बुक करें तो मेरे को देंगे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इंटरडे के हिसाब से। तो यहाँ पर हम बुक कर लेंगे जैसे ही हमें यहाँ पर 88% का प्रॉफिट नज़र आएगा। सो अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है आगे। 0.7% का प्रॉफिट रह चुका है, प्रॉफिट हमारा थोड़ा यहाँ पर कम हो चुका है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है हमारा जो प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, और आगे चलते हैं। सो मार्केट आप देखोगे तो थोड़ा और डाउन साइड की तरफ मूव कर चुका है, हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है वो है 3200 रुपये का, यानी कि 2.2% का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। एंड अगर आप टाइमिंग देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर बुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल चुका है एक डे के हिसाब से। मैं आपको उसको 3 बजे तक करके दिखाता हूँ कि क्या रहता है उसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 बजे तक हम अगर अपनी स्ट्रेटजी को लेके जाते हैं तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.7% का प्रॉफिट होता इस डे पे, यानी कि 7 तारीख को अगर हम स्ट्रेटजी को लगाते तो 3 बजे तक हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता 10 लोट्स के अंदर। सो 7 अक्टूबर को भी हमने एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे चलते हैं यहाँ पे 8th अक्टूबर को। 8th अक्टूबर को चलते हैं हम यहाँ पर, टाइमिंग चूज़ कर लेंगे वही 9:30 बजे के आसपास। सो यहाँ पर हम दोबारा से एट द मनी पर सेल कर देंगे एक लोट, एंड दोबारा से हम यहाँ पे 205 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है हमें एट द मनी पे। तो 205 का यहाँ पर हमारा हाफ हो गया ऑलमोस्ट 103 रुपये के आसपास। तो 103 से नीचे वाला प्रीमियम यहाँ पे हम बाय कर लेंगे दो लोट के अंदर, एंड इसको यहाँ पर 10 लोट्स के अंदर कर लेते हैं, 10 लोट्स कर लेते हैं इसको यहाँ पर। अब 15 मिनट करके आगे चलते हैं दोबारा से। 0.3% का करंटली हमारा लॉस चल रहा है अभी, मार्केट रेड जोन के अंदर है, बट हमें इतना ज़्यादा लॉस अभी नहीं दिखा रहा मार्केट, और आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.8% का आपको लॉस दिखा रहा है मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1200 रुपये का। 1% के आसपास हमने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है, 1% का जैसे ही हमें यहाँ पर लॉस नजर आएगा तब हम अपनी स्ट्रेट को एग्जिट कर देंगे, एंड जो भी हमारा उस डे का लॉस होगा उसको बुक करके बैठ जाएंगे। बार बार आपको इसके अंदर ट्रेड के अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड मूव किया है, एंड जो मार्केट है वो आपको रेड जोन के अंदर नजर आ रहा है, बट हमारा जो लॉस था वो यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉफिट के अंदर चेंज हो चुका है। 0.8% के लॉस से यहाँ पर 0.2% के प्रॉफिट में मार्केट आ चुका है हमारा, ऑलमोस्ट 1% का जो हमारा लॉस था वो यहाँ पर कवर हो चुका है। आगे चलते हैं अभी थोड़ा और 15 मिनट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करने लगा है, इसलिए जो हमारा लॉस है यहाँ पर थोड़ा बढ़ चुका है, एंड वो हो चुका है ऑलमोस्ट 0.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमारा यहाँ पर लॉस आ चुका है। तो इस दिन के लिए यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लेंगे एंड स्ट्रेटजी से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रहा है, कभी कभार इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, बट स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रख रहे हैं सिर्फ 1% का। यहाँ पर जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो हमें कई कई बार 2-2%, 3-3%, 4-4% तक का भी प्रॉफिट मिल जाता है एक ही दिन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना देता है स्ट्रेटजी को। एंड स्ट्रेटजी को मैं आपको एक सजेस्ट और करूँगा कि इसको आप एक्सपायरी वाले दिन यूज़ ना करें, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो आपका लॉस है वो मैक्सिमम हो सकता है अगर मार्केट रेड जोन के अंदर चले जाता है तो, क्योंकि सारा डे के आपका मैक्सिमम जो है लास्ट के 2 डेज के अंदर ही होता है। तो थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जब भी आप इसको यूज़ करें, जिसके भी इंडेक्स के अंदर, सो एक्सपायरी वाले दिन इसको यूज़ ना करके आप बाकी सभी दिन इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसको एक्सपायरी वाले दिन यूज़ भी करना है तो आप इसको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी यूज़ करें, यानी कि अगर आप स्ट्रेटजी को 10th अक्टूबर को बना रहे हैं तो इसके अंदर आप एक्सपायरी यूज़ करना 17 अक्टूबर की, यानी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, ताकि उसके अंदर आपको यहाँ पर रेड जोन के अंदर ज़्यादा यहाँ पर लॉस नजर ना आए, एंड रेड जोन के अंदर भी मार्केट जाता है तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। सो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, एंड कोई कन्फ्यूजन अगर स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों आप जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किस और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।